आजकल गन्ने की फसल पर निर्भर रहने वाले किसानों ने आधुनिक पद्धति से अलग प्रकार की फसलें उगाना शुरू की है, जिसे उनको काफी फायदा भी हो रहा है। कुछ इसी तरह का नजारा मेरठ से 40 किलोमीटर दूर भैसा गांव में देखने को मिला, जहां एक किसान ने गुजरात में 5 दिन की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ड्रैगन की खेती शुरू की। जी हां, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती से उसको काफी फायदा हो रहा है। किसान का नाम सचिन है। सचिन ने बताया कि पहले वह भी गन्ने की खेती किया करते थे, लेकिन गन्ने में लगने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वह तंग आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने गुजरात में 4 दिन का ड्रैगन फ्रूट का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने गांव में ही 1 एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी, जिससे अब उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। सचिन बताते हैं कि पहले साल उन्हें 1.25 लाख रुपए का फायदा हुआ था, वही दूसरे साल 2.5 लाख का, और तीसरे साल में 3.5 लाख रुपए से अधिक का फायदा हुआ। वे अन्य किसान को भी इसी खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। देखिए, ये बेसिकली हमने 3 साल पहले शुरू की थी, और क्योंकि गन्ने से हम काफ़ी परेशान हो गए थे। गन्ने में अगर आप देखें तो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा लगती हैं, स्प्रे चलते रहते हैं, काफ़ी परेशान हो गए थे गन्ने से। हम कुछ अलग नया करना चाह रहे थे कुछ, तो हम गुजरात हमने इसकी खेती देखी। ये बेसिकली जो वैरायटी ये शुरू हुई थी ड्रैगन फ्रूट की अमेरिका से होते फिर वियतनाम में आई, और वियतनाम से अभी इंडिया में भी कुछ जगह पे शुरू हो रही है इसकी खेती। तो हमने 3 साल पहले इसको शुरू किया। बेनिफिट इसमें लगभग आपका 3 गुना, जैसे इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 1 एकड़ की खेत करते हैं तो 1 एकड़ में आपका 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, और आप अगर 3 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद देखेंगे, तो आपका वही 10-15 लाख रुपये ईयरली आपको रिटर्न उससे मिल जाता है। मैं तो किसान को अपनाने के लिए तैयार भी हैं, बस थोड़ा सा वो खर्चा देख के डर जाते हैं इसका, क्योंकि गवर्नमेंट से इस पर कोई सब्सिडी नहीं है अभी, कुछ गवर्नमेंट कोई अनुदान इस पर नहीं दे रही है। अगर स्टार्टिंग में कुछ अनुदान इससे मिल जाए तो यह काफ़ी किसान प्रोत्साहित होंगे इसको करने के लिए।